हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रेलवेज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हमने पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया है फर्स्ट। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूँ, आपके लिए सरप्राइज़ है वीडियो के एंड में टिप ऑफ द डे, जिससे आप आपकी जो भी डिजायर रैंक है उसके एक स्टेप पास चले जाओगे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या क्या बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे वो कितने टाइप के जो है इमरजेंसीज है? तो ऑप्शंस देखते हैं, ओनली वन, ओनली टू, थ्री या फोर। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो थ्री टाइप की इमरजेंसीज है। इसका राइट आंसर है थ्री। तो कौन कौन से इमरजेंसीज है? आर्टिकल 352 के अंदर आती है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद आर्टिकल 356 के अंदर आती है स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। और फिर जो कौन सी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है वो आर्टिकल 360 के तहत आती है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक कभी लगी नहीं इंडिया में। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल फाइनेंशियल जो कंडीशन है इंडिया की, इससे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। तो जो हमने इमरजेंसीज लिए वो कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, द माइनॉरिटीज कमीशन वॉज गिवन स्टैचुटरी स्टेटस इन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टैचुटरी स्टेटस होता क्या है। इसमें क्या होता है, अगर कोई जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पहले से लिखा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं अंडर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। ठीक है, अगर हमने वो एक्ट के तहत बनाया है तो उसे हम कहते हैं स्टैचुटरी बॉडी। ठीक है, स्टैचुटरी स्टेटस दिया जाता है। और अगर बिना ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना ही किसी एक्ट के तहत बना है, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन स्टैचुटरी बॉडी। ठीक है, नॉन स्टैचुटरी बॉडी। तो माइनॉरिटीज कमीशन क्या है? एक एक्ट के तहत बना है, इसलिए वो क्या है? स्टैचुटरी बॉडी है। तो उसके ऑप्शंस देखते हैं, 1989, 1990, 1991, 1992। तो उसका राइट आंसर है 1992। और इंडिया में जो है माइनॉरिटीज दो बेसिस पे उसने उन्हें ये क्या है डिफ्रेंशिएट किया है, एक है लिंग्विस्टिक बेसिस और एक है रिलीजियस बेसिस। ठीक है, दो ही है, आप लोग ये अच्छे से याद रखिए, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ये पूछा जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे सिक्स टाइप के माइनॉरिटीज़ है, वो कौन से माइनॉरिटीज़ है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट एट ऑल टाइम्स? ठीक है, जो वोटर की लिस्ट होती है वो अप टू डेट रखने का काम किसका होता है? द प्रेसिडेंट, द इलेक्शन कमीशन, द यूनियन होम मिनिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो प्रेसिडेंट क्यों रखेगा, उन्हें दूसरा काम है या नहीं? तो इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये द इलेक्शन कमीशन की होती है। ठीक है, ये रखते हैं जिनका अभी डेटा है या फिर अप टू डेट रखना, कोई किसी की डेट हो गई तो फिर वो जो इलेक्शन कार्ड है उनका वो वॉइड कर देना, इस तरह से नया इलेक्शन कार्ड बनाना, ये सब कुछ। तो ये इलेक्शन कमीशन, लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया था, तो मुझे बताइए इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट ओके, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, आर्टिकल देखते हैं 256, 280, 293, 243। जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट के तहत, प्रेसिडेंट के अंडर अपॉइंटेड होते हैं वो अंडर आर्टिकल 280 के। ठीक है, अंडर आर्टिकल 280। अभी फिलहाल जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 14th फाइनेंस कमीशन चल रहा है ना, जिसके जो चेयरमैन है वाई वी रेड्डी जी है। और जो 15th फाइनेंस कमीशन होने वाला है जो 2021 में स्टार्ट होगा, तो उसके चेयरमैन है एन के सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप ये याद रख सकते हैं एन के सिंह इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, ये याद रखिए। नेक्स्ट, और मैं एक बात बता दूँ आपको, क्वेश्चन बायलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जब मैं पेपर डाउनलोड कर रही थी तो मेरे मेरे एक नज़र में आया कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज जो है सिर्फ ज़्यादातर हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मुझे इससे पता चला जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादातर हिंदी हो सकती है, और अगर कोई इंग्लिश ऑडियंस भी है या फिर कॉन्वेंट से है बच्चा, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वाइस वर्सा ट्रांसलेट कर दूंगी, अगर हिंदी में है तो इंग्लिश, इंग्लिश में तो हिंदी। ठीक है, चलिए फिर देखते क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू प्रॉपर्टी देखते हैं, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ये भी
जो है फंडामेंटल राइट है। तो राइट आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो है पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसे शिफ्ट कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A और ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट है हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, ये याद रखिए। फंडामेंटल राइट जो है हमने वो यूएसए से लिए हैं, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो जो फंडामेंटल राइट से इसलिए निकाला गया, अगर किसी की प्रॉपर्टी उसका राइट हो जाता तो फिर वो टैक्स वगैरह कैसे पे करता, या फिर जो रिच है वो रिच ही रह जाते, पुअर है जो पुअर ही रह जाते, वो जो ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो लेकर बैठ जाते, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट से निकाला गया, याद रखिए। ओके, जैसे कि मैंने बताया था बायलिंगुअल है। तो क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। यहाँ ध्यान दीजिए, राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बोल रहे हैं, ना कि नेशनल लैंग्वेज। ये याद रखिए, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी, वो किस आर्टिकल के तहत आती है, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 234। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 343, ठीक है। आर्टिकल 343 के अंडर देवनागिरी लिपि में, ठीक है, देवनागिरी लिपि में जो है हिंदी हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखिए। ओके, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त या 30 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है 29th of August। वाई, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है हम मनाते हैं 29th of August को, मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है, ध्यानचंद जी के बर्थडे को हम इस तरह से नेशनल स्पोर्ट्स डे के सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, तो इन्होंने जो है ओलंपिक के 3 गोल्ड मेडल जिताए थे इंडिया को, ठीक है, इसलिए हम 29th of August एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, ओके, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था। तो संप्रभु गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है जो भी जो स्टेट है या फिर कंट्री है, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पहले ही बताया था, स्टेट का मतलब होता है कंट्री। जो कंट्री है उसका जो हेड है, उसका जो हेड है वो पीपल इलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो वो बन जाती है कंट्री रिपब्लिक, ठीक है, कंट्री रिपब्लिक बन जाती है। तो संप्रभु गणराज्य कब बना था, तो ऑप्शंस देखते हैं, 25 अगस्त 1950, 26 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948। तो हम रिपब्लिक कब बने थे, 26th of January 1950 को। तो इसका राइट आंसर है 26th of January 1950 को, याद रखिए। रिपब्लिक मतलब हेड जो है पीपल इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा को डैश के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा है इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, सीनियर हाउस, उच्च सदन, अपर हाउस, निम्न सदन, लोअर हाउस। तो लोअर हाउस तो हम लोकसभा को कहते हैं, ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, और ये अंडर आर्टिकल 81 आता है, ये याद रखिए, अंडर आर्टिकल 81 आता है लोकसभा। देन हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ये गिने चुने राज्य में है, 6 राज्य में है, पहले ही बताया था मैंने राज्य, ठीक है, ये आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और फिर ऑप्शन बचते हैं बी और सी, तो इसका राइट आंसर है अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस। लोकसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, और अंडर आर्टिकल 80, अंडर आर्टिकल 80 आता है उच्च सदन, राज्यसभा। राज्यसभा को और कहते हैं विजडम हाउस, ठीक है, विजडम हाउस, ये याद रख लीजिए। ये जैसे अभी पिछले साल क्या पूछा गया था, या फिर 2016 में क्या पूछा गया था कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। तो इस बार क्या पूछा जा सकता है कि राज्यसभा को फिर ऑप्शन दे देगा विजडम हाउस, तो विजडम हाउस इज अ राइट। तो आप लोगों को ये याद रख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस पहलू में या किस एंगल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बन सकते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, ओके, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो वर्ल्ड अर्थ डे है कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, 18 सितंबर, 25 अगस्त, 22 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है 22nd अप्रैल, ठीक है, जो विश्व या फिर वर्ल्ड अर्थ डे 22nd अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों मनाया जाता है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो 7 अप्रैल 1948 को,
सात अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुई थी, तो 7 अप्रैल एज अ हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका गठन किस वर्ष में किया गया था, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, 1880, 1857, 1885, 1872। तो इसका राइट आंसर है 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, ठीक है, तब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमने जो भारतीय संविधान में लिए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में, ठीक है, 1976 में, तो वो कहाँ से हमने किस संविधान से या किस कंट्री के संविधान से लिए हैं? तो उसका राइट आंसर है सोवियत संघ, सॉरी USSR से हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। और जो यूएसए से क्या लिए, हमने अभी पहला जो क्वेश्चन देखा था वो क्या लिए है, हमने यूएसए से लिए है फंडामेंटल राइट, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये याद रखीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और टिप ऑफ द डे है जो आपको आपके डिज़ायर रैंक के वन स्टेप क्लोज लेकर जाएगी, आपको एक मार्क आपका पक्का कराएगी। तो टिप है जो रोमन अंक होते हैं, ठीक है, जो रोमन अंक है जैसे 1 या फिर 2, 3, ये इस तरह से आपको 100 तक याद करने हैं। फिर 100 के बाद क्या होता है, 200 या फिर 3000 वगैरह किस तरह से लिखे जाते हैं वो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि मैंने इतने सारे पेपर देखे, मैंने 90 सेट्स देख लिए हैं, 90 सेट्स से मैं क्वेश्चंस निकालती हूँ, मतलब RRBJEE के सेट्स हो गए, NTPC के सेट्स हो गए। तो मैंने जो NTPC के सेट्स में देखा था स्पेशली, वहाँ पर रोमन जो अंक है उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो एक मार्क पक्का करना है, अगर आपके सेट में आ जाए तो आप ऐसा ना हो कि ये तो हमने किया ही नहीं, फिर कैसे। तो एक एक मार्क्स ज़रूरी है, इसलिए आपको रोमन अंक जो है वो अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये थी आपकी टिप ऑफ द डे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।